हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए क्या है परवर की एकदम नई और एकदम इजी रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए परवर की नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 किलो परवर को ले लेंगे। परवर को लेने के बाद अब हम इसके छिलके को चक्कू की सहायता से कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। छीलने के बाद अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे परवर को अच्छी तरह से छील लेंगे और बीच में से दो कट लगा लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लगभग 4 बड़े चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए परवर को ऐड कर देंगे। परवर ऐड करने के बाद अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। दो मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम गैस की आंच बंद करके परवर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में 1 चम्मच तेल को और ऐड कर देंगे। अब हम तेल में 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े प्याज को बारीक कट करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम कांदे को लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। चार मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही में अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तीन मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम एक बॉल ले लेंगे। अब हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही में अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम सारे मसालों को कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब हम इसे लगभग 1 मिनट तक भून लेंगे। एक मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 3 मिनट अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें फ्राई किए हुए परवर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी को और ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर लगभग 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। साथ ही में अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटे हुए हरे धनिए को भी ऐड कर देंगे
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपकी परवल की सब्ज़ी बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। साथ ही इसका कलर काफ़ी बेहतरीन आया हुआ है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। साथ ही आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूले आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।